बालोद सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बालोद जिला पुलिस द्वारा आयोजित कबड्डी ने इतिहास रच दिया। समापन पर एक नहीं 400 सेकंड अधिक ग्राम पंचायतों से ग्रामीण गड़िया भरकर आए। महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने खेल महोत्सव का आनंद लिया। प्रतियोगिता में भी महिला टीम अव्वल रही। डोरी लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम कोचेरा टीम की महिलाओं ने बाजी मार ली। वहीं देर रात तक पुरुषों का खेल जारी रहा। CNI न्यूज बालोद से कुमकुम के साथ दीपक देवदास की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर डोंगरगढ़ की बैठक विधायक निवास में हुई संपन्न। डोंगरगढ़ दिनांक 4 दिसंबर 2017 को प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा डोंगरगढ़ शहर के अध्यक्ष प्रिंस कक्कड़ के नेतृत्व में शहर डोंगरगढ़ की कार्यकारिणी की बैठक विधायक निवास में दोपहर 2 बजे रखी गई, जिसमें डोंगरगढ़ शहर युवा मोर्चा प्रभारी मोनू बहादुर सिंह जी ने परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस कक्कड़ एवं उनकी पूरी टीम ने एक वन बूथ 20 यूथ की कॉपी मोनू बहादुर सिंह जी को सौंपी। उप बैठक में विशेष रूप से किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री दुर्गा नायडू, जिला मंत्री श्री जसमीत सिंह बनोवाना जी, युवा मोर्चा महामंत्री अखिलेश सिंह गढ़वाल, नीरज त्रिवेदी जी, सावन सुभाष आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित रहे। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा उर्फ बंटी की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत ठाकुरटोला में हैंडपंप से गंदा पानी आने को लेकर जनता कांग्रेस 6GH के जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सौंपा PHE अधिकारी के नाम ज्ञापन। डोंगरगढ़ दिनांक 4 दिसंबर 2017 को ग्राम पंचायत ठाकुरटोला में पिछले कुछ महीनों से हैंडपंप से गंदा पानी आ रहा था, जिसके कारण ग्रामवासियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के युवा जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में डोंगरगढ़ PHE ऑफिस में पानी का सैंपल लेकर पहुंचे, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा उर्फ बंटी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महासमुंद खंड बाल शिविर ग्राम लाफिंग खुर्द में संपन्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महासमुंद महासमुंद खंड बाल शिविर 2017 लाफिंग खुर्द 2 दिवसीय यह कार्यक्रम में बच्चों के आयु वर्ग के हिसाब से खेलकूद, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, समता पद विन्यास, कराटे अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में विकासखंड से 64 बच्चों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के गौरव के वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रयास की कड़ी में 2 व 3 दिसंबर दिन शनिवार रविवार को महासमुंद खंड बाल शिविर का कार्यक्रम आयोजित गया। CNI न्यूज महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। महासमुंद ग्राम चोरभट्टी में हो रहे बॉर्डर पत्थर के अवैध उत्खनन के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को धरना स्थल पहुंचकर उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन को उचित बताते हुए समर्थन दिया। विधायक डॉक्टर चोपड़ा ने अवैध उत्खनन क्षेत्र का भी अवलोकन किया, जहां खनिज माफियाओं द्वारा शासकीय स्कूल की दीवार से लगकर पत्थर उत्खनन किया गया है, जिसे कभी भी बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी घास भूमि व चरागन पर अतिक्रमण कर बॉर्डर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। उक्त कार्य बाहर के लोगों के द्वारा ग्राम के कुछ लोगों को साथ लेकर किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में एक भी खदान लीज पर नहीं है। खदान चलाने के लिए तालाब तक के पानी को सुखा दिया जाता है, जिससे निस्तारी के लिए ग्रामीणों को भारी समस्या होती है। विधायक डॉक्टर चोपड़ा ने स्वयं उत्खनन स्थलों का निरीक्षण किया व ग्रामीणों की शिकायत को सही बताते हुए स्थल से ही खनिज विभाग के अधिकारी से फोन पर चर्चा कर ग्रामीणों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। अवैध उत्खनन को बंद कराने का और उत्खनन करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही लोगों पर करने का साथ उन्होंने यह भी कहा कि खदान में काम करने वाले लोगों से पूछकर उत्खनन करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कार्यवाही करने की स्पष्ट निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख रूप से गोविंद सिंह ठाकुर, पवन साहू सरपंच, प्रतिनिधि भोलेनाथ गंधर्व, आंदोलनकारी प्रेम यादव, संतोष निर्मलकर, गोपाल यादव, खिलावन परशुराम यादव आदि उपस्थित थे। CNI न्यूज महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। महासमुंद 16 करोड़ की लागत से एकलव्य आवासीय विद्यालय व 1.5 करोड़ की लागत से मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दिलाने में प्रयास करने पर भोरिंग व तुमगांव के न
नागरिकों ने सोमवार को आयोजित एक समारोह में विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर चोपड़ा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष धर्मदास महिलांग ने की। विशेष अतिथि के रूप में देवी चंद राठी, दिलीप जैन, उदय साहू, गोविंद। इस कार्यक्रम का विरोध करने वालों को विध्वंसक करार देते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम में गलत क्या है, क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करने वालों का सम्मान होना चाहिए। CNI न्यूज महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। जांजगीर अकलतरा में सुबह तक करीबन 4 बजे रेल लाइन में लाइनमैन की मौत। कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस की ठोकर से मौत। आज सुबह तक करीबन 4 बजे हावड़ा कुर्ला 18430 एक्सप्रेस से लाइन में पेट्रोलिंग के दौरान अशोक कुमार उम्र 30 वर्ष, पिता धर्मेंद्र शर्मा निवासी जहानाबाद बिहार, ठेकेदार कर्मी कुमारी निवासी के साथ खोर फाटक से ड्यूटी कॉपी बदलकर गश्त करते वापस आ रहे थे। डाउन लाइन नमे ठेकेदार कर्मी और मेन लाइन में मृतक अकलतरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ओवरब्रिज के पास दोनों लाइन में ट्रेन आने की आवाज आई। मृतक ने साथी कर्मी को लाइन से बाहर जाने को कहा, लेकिन साथी को हटाने के कारण वह खुद नहीं समझ पाया और पीछे से आ रही हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस के चपेट में गया और मौके में ही उसकी मौत हो गई। CNI न्यूज जांजगीर से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। रायपुर कांग्रेस के कल के बंद के आह्वान को देखते हुए कांग्रेसियों की गिरफ्तारी शुरू। बंद को सफल बनने निकली रैली से कांग्रेसी नेता किए गए गिरफ्तार। रायपुर शहर अध्यक्ष विकास उपाध्याय को साथियों सहित किया गया गिरफ्तार। सभी को गिरफ्तार कर जेल लाया गया। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव कांग्रेस के बंद के आह्वान को कांग्रेस ने लिया वापस। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर की दुकानों को घूम घूम कर खुलवाया। व्यवसायिकों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कोंडागांव कांग्रेस ने शिक्षा कर्मियों की मांगों के समर्थन एवं उनके ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में 5 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा संपूर्ण कोंडागांव जिला को बंद रखा गया था, लेकिन रात्रि में शिक्षा कर्मियों व सरकार के बीच हुई वार्तालाप के दौरान शिक्षा कर्मियों ने हड़ताल वापस लिए जाने के फैसले कारण कांग्रेस कमेटी ने बंद को स्थगित किया गया। कांग्रेसियों के बंद के स्थगित को वापस लेते हुए दुकानों को खुलवाते हुए दिखे। व्यवसायिकों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ताल अपनी मर्जी से बंद नहीं किए हैं। अन्य रमन सरकार की जबरदस्त दमनकारी नीति, महिला शिक्षा कर्मियों को भी डंडे से पीटना, एक तरह ये बेटी बचाओ और महिलाओं को सम्मान की बात करता रमन सिंह, और एक तरफ ये महिलाओं की पिटाई करवा रहे। इस दहशत में, डर में शिक्षा कर्मी लोग वापस लिए हैं, लेकिन हम लोग का जो बंद था, जब संघ ने ही वापस ले लिया हड़ताल, तो हम लोग किसका सहयोग करने के लिए बंद करें। वैसे भी हम लोग रमन की दमनकारी नीति, और ये तो इनकी प्रवृत्ति चली आ रही है कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक हर जगह दमनकारी नीतियों का सामना आम पब्लिक को और दूसरी पार्टियों को करना पड़ रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बंद करने का आह्वान किया था कि रमन सरकार इतनी ज़्यादा दमनकारी नीति अपना रही है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों ने बंद का समर्थन वापस ले लिया है, बंद वापस ले लिया है, और हम सभी व्यवसायिक, जितने भी व्यवसायिक हैं, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हर बंद में समर्थन दिया, और आज भी उन लोगों ने सिर्फ अनाउंसमेंट के उसमें ही समर्थन दे दिया। धन्यवाद। CNI न्यूज कोंडा गांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर शहर के महापौर श्री प्रमोद दुबे जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तेलखानी नाका में गरीब निर्धन लोगों को साल कंबल, फल, मिठाइयां एवं बच्चों को चॉकलेट वितरण किया गया। यह महापौर प्रतिनिधि श्री राधे नायक द्वारा मंच का संचालन करते हुए महापौर को जन्मदिन की बधाई दी। कि उसको गाय दौड़ा रही है, सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से और राज भाई से निवेदन करूंगा कि सब बच्चों को अपने हाथ से चॉकलेट वो बांटे। पहले मैं बच्चे को दे देता हूँ। आप सभी को फिर से धन्यवाद। और इतना अच्छा राधे भाई ने कराया। एक चीज हम लोगों ने गाना सुना है कि इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, उसमें एक लाइन आता है कि ये न सोचे हमें क्या मिला है। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का।
हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।